कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है? कम्युनिकेशन से यहाँ पे मतलब है एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस, अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स, जो डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनके बीच में डेटा का एक्सचेंज होना और मैसेजेस का एक्सचेंज होना, उसको आप क्या कहोगे? उसको बोलोगे कम्युनिकेशन। ओके, सो हियर यू कैन सी डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा। जब डेटा का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइसेस, किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में जो किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ओके, दीज डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये इन डिवाइसेस की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? दे कैन सेंड, वो डेटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड हैं, वायर्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। ओके, उसकी हेल्प से वो डेटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। अब देखो, नेटवर्क में तो कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, अपना पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दे शुड बी एबल टू एक्सचेंज द डेटा। तो यहाँ पे अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये डेटा को एक्सचेंज कर सके, ये मैसेजेस को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, राइट? ओके, As we can see in the figure 11.1, four different types of devices, computer, printer, server and switch are connected to form the network. यहाँ पे देखो नेटवर्क बना हुआ है, ओके, यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग डिवाइस स्विच है, राइट? और आपका कंप्यूटर्स भी कनेक्ट है, ओके, स्विच से, आपका सर्वर भी कनेक्ट है, आपका प्रिंटर भी कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या, ये दे आर कनेक्टेड इन वन नेटवर्क, राइट? अगर आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटर पे कमांड दोगे तो वो प्रिंटर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, प्रिंटर आप नंबर वन से अगर कमांड दोगे तो नंबर वन कंप्यूटर का प्रिंट आउट क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। नंबर टू से दोगे तो उसका प्रिंट आउट आ जाएगा, नंबर थ्री से दोगे तो उसका प्रिंट आउट हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या, सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल सर्वर का डेटा नंबर वन कंप्यूटर पे भी आएगा, टू पे भी आएगा और थ्री पे भी आएगा, राइट? ओके, तो ऑल आर कनेक्टेड इन वन नेटवर्क, फाइन, एंड ऑल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में हैं वो एक दूसरे को कमांड सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। ओके, दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ मीडिया टू द नेटवर्क। वो किससे कनेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ वायर्स और यू कैन से केबल। केबल की हेल्प से वो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है एक दूसरे से, विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो यहाँ पे एक एंड से लेकर आप इंफॉर्मेशन को दूसरे एंड पर पहुँचा सकते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर। डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो डेटा को सेंड करता है, फाइन। देन वी हैव रिसीवर। रिसीवर जो डेटा को रिसीव करेगा, कोई भी डिवाइस, यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स लिए हैं, ओके, तो यहाँ पे जो डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, और जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो कंप्यूटर डेटा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। देन आप क्या सेंड करोगे, मैसेज सेंड करोगे या डेटा सेंड करोगे, ओके? तो थर्ड कंपोनेंट है आपका मैसेज। देन कम्युनिकेशन मीडिया, किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडिया की हेल्प से ही कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस नेटवर्क में, वायर्ड केबल्स और वायरलेस। तो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, वायर भी दिखाया हुआ है और वायरलेस भी दिखाया हुआ है, फाइन। एंड आपका जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोटोकॉल्स। अब देखो, जब कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, राइट, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स। कंप्यूटर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही वो नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, फाइन। तो उन रूल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, ओके। नाउ अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं, राइट,
ओके, फर्स्ट वी हैव द सेंडर। सेंडर क्या है? सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। सो सेंडर क्या है? या तो आप कंप्यूटर ले लो एग्जाम्पल, या फिर कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में डेटा सेंड करता है उसे हम क्या करते कहते हैं? सेंडर कहते हैं। ओके, इट कैन बी अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, वॉकी टॉकी भी हो सकता है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकता है। ओके, तो ये जो डिवाइसेस हैं आप इंटरनेट के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, फाइन। ओके, इंटरनेट नेटवर्क से आप कनेक्टेड होते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ईमेल्स वगैरह सेंड करते हो, आप स्मार्ट वॉच से भी आप सेंड करते हो डेटा, फाइन। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर कहते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन का क्या है? अब देखो, सेंडर ने डेटा सेंड कर लिया, उसे कोई ना कोई डिवाइस रिसीव करेगा। ओके, तो जो डिवाइस उसको रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। ओके, अ रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। वो डिवाइस जो नेटवर्क से डेटा को रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रिसीवर बोलते हैं। वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, एनी डिवाइस। ओके, इट कैन बी एनी कंप्यूटर, कोई वो कंप्यूटर आप ले सकते हो, मतलब जो डेटा रिसीव कर सकता है, आपका प्रिंटर, प्रिंटर नेटवर्क के थ्रू कमांड रिसीव कर सकता है, आपका लैपटॉप कमांड रिसीव कर सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन रिसीव कर सकता है डेटा, टेलीविज़न, ओके, एसेट्रा। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर आर नोन एज नोड्स। ओके, जब हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंडर भी कंप्यूटर होता है और रिसीवर भी कंप्यूटर होता है, और सेंडर एंड रिसीवर को क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है। जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको किस टर्म से आप बुलाते हो? नोड से। ओके, नाउ सेंडर आपका डेटा सेंड करेगा, रिसीवर आपका डेटा रिसीव करेगा। अब देखो, डेटा जो मेन पॉइंट है डेटा, ओके, उसका क्या, उसको हमने एज अ थर्ड कंपोनेंट लिया है, मैसेज। इट इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो अब क्या सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या एक्सचेंज होगा? डेटा एक्सचेंज होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैसेज। ओके, मैसेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, और ये मैसेज क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, आपका नंबर मैसेज भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, आपका ऑडियो मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो, ओके, या फिर आपका मल्टीमीडिया मैसेज हो सकता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया। इट इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है जिसकी हेल्प से मैसेज ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक। इसको मीडियम भी कहा जा सकता है और लिंक भी कहा जा सकता है, विच इज़ आइदर वायर्ड और वायरलेस। और ये मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है, मीन्स यू कैन मेक यूज़ ऑफ द केबल्स, आप केबल्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर वायरलेस हो सकता है, जहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? सैटेलाइट्स का यूज़ करोगे, वेव्स का यूज़ करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ टेलीविज़न केबल, आप टेलीविज़न केबल का यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन केबल का यूज़ कर सकते हो, आपके इंटरनेट केबल्स का यूज़ किया जा सकता है, सैटेलाइट लिंक्स का यूज़ किया जा सकता है, माइक्रोवेव्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? वो मीडियम है जिसकी हेल्प से सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है और यू कैन से डेटा सेंड करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाई ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये वो रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उनके द्वारा, राइट। ये देखो, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, लेट अस सपोज, हाँ, तो आप क्या करोगे? आपके स्कूल में रूल्स है दैट यू हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाओगे, राइट। अगर आप नहीं जाते हो, यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, आपको निकाल देते हैं स्कूल से। ऐसा ही अगर कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेट और यू कैन से नेटवर्क, तो उनको एज अ पार्ट नहीं माना जाता, फाइन। तो नेटवर्क से कनेक्टेड रहने के लिए नेटवर्क के रूल्स को फॉलो करना होता है और उन रूल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स। ओके, नाउ
It is a set of rules that need to be followed by all the computers connected to the network in order to have successful and reliable data communication. और ये rules क्यों follow किए जाते हैं, जिससे कि एक successful और reliable data communication हो सके. Protocols के example, बहुत सारे protocols होते हैं, जैसे hypertext transfer protocol, आपका HTTP protocol, transmission control protocol, internet protocol, TCP/IP protocol. तो ये जो हमने 5 पढ़े हैं, वो क्या थे? हमारे components of data communication. टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ हम देखेंगे कि डेटा को कितने तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, राइट. डेटा कम्युनिकेशन हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. ये आपको पता है डेटा कैसे ट्रेवल करता है, सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज और नोड्स, राइट. नोड्स के बीच में, कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच में जो डेटा ट्रेवल करता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ओके. द ट्रांसफर ऑफ डेटा हैपन्स ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल. तो यहाँ पे जो डेटा ट्रेवल करता है वो या तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल करेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, राइट, या फिर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल्स, मींस एक जो आपका डिवाइस है वो मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट है, ओके. तो यहाँ पे क्या है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है, मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, फाइन. तो पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है या मल्टी पॉइंट भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है. नाउ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 types. तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन को 3 types में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ओके, राइट. फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ओके. इट इज वन वे और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन. तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कौन सा है, वन वे कम्युनिकेशन है, राइट, यूनिडायरेक्शनल, जहां पे आपका कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, राइट, बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है. दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिर्फ वन वे है. अगर ये वाला डिवाइस, मान लो ये डिवाइस ए है और ये आपका डिवाइस बी है, तो अगर डिवाइस ए डेटा सेंड कर रहा है तो इस टाइम बी डेटा सेंड नहीं कर सकता, फाइन. या फिर अगर डिवाइस बी अगर डेटा सेंड कर रहा है तो इस टाइम आपका डिवाइस ए सेंड नहीं कर सकता डेटा, ओके. तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिवाइसेस इन विच वन डिवाइस इज द सेंडर एंड द अदर वन इज रिसीवर, जिसमें एक एक टाइम पे सेंडर होता है और दूसरा एक टाइम पे रिसीवर होता है, राइट. Devices use the entire capacity of the link to transmit the data. तो यहाँ पे जो devices हैं वो जो link होता है, okay, जो communication link होता है उसको completely use करते हैं to transmit the data. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, use the entire capacity of the link to transmit the data. It is like one way street where vehicles can move in only one direction. ये जो communication होता है वो किस तरीके का होता है, one way street का होता है, जहाँ पे vehicles सिर्फ एक ही direction में travel कर सकते हैं, ठीक है, okay. ये मेरा vehicle थोड़ा ख़राब बना है, ठीक है. तो यहाँ पे vehicle एक ही direction में ट्रेवल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटा एंटर्ड थ्रू अ कीबोर्ड और ऑडियो सेंड टू अ स्पीकर. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो आप डेटा कीबोर्ड की हेल्प से एंटर कर रहे हो, राइट, ओके, और या फिर आप ऑडियो सेंड करो स्पीकर की हेल्प से, वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, राइट. जो आपने वट एवर यू हैव टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड, आपने कुछ भी टाइप किया है कीबोर्ड पर, वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, प्रोसेसर के पास जा रहा है, ओके. ऐसे ही आपने ऑडियो सेंड किया है, वो भी कहाँ जा रहा है, फॉर द प्रोसेसिंग, राइट. यहाँ पे देखो, विद द एडवेंट ऑफ IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, राइट, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो, वो डिवाइसेस चीजों को सेंस कर सकते हैं, राइट. तो विद द एडवेंट ऑफ IoT कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. जैसे आप अपने घर की चीजों को कंट्रोल करते हो, राइट, आप अपने फैन को, लाइट को, राइट, अगर आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, किसकी हेल्प से, रिमोट्स की हेल्प से. तो यहाँ पे ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, ओके. वन कैन कंट्रोल फैन, लाइट, फ्रिज, ओवन एक्सेट्रा वाइल सिटिंग इन द ऑफिस और ड्राइविंग अ कार, राइट. आप अपने फोन की हेल्प से क्या कर सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पे फैन, लाइट्स क्या होते हैं, इनमें सेंसर्स लगे होते हैं, राइट, और ये इनको क्या कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है. जब वो डिवाइसेस जिनके अंदर सेंसर्स लगे हैं, अब वो क्या हो जाते हैं, आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गए, राइट, या आपके किसी भी डिवाइस के साथ, आईपैड के साथ कनेक्ट हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अपने ऑफिस में बैठ के या अपनी कार में, वेयर एवर यू आर, आप कहीं पर भी हो, राइट, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो.
ओके तो जो मेन इसका आइडिया है वो क्या है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है, आपका वन वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे देखो सैटेलाइट्स के थ्रू आपके टीवी पे क्या आ रहा है, आपके टीवी पे चैनल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, यहाँ पे सिर्फ सैटेलाइट से आपके टीवी के ऊपर चैनल्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप अपने चैनल्स के अपने टीवी के थ्रू सैटेलाइट के पास कुछ सेंड कर दो, नहीं, राइट। यहाँ पे सिंपल यही वन वे कम्युनिकेशन है, ओके तो इसको क्या कहा जाएगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ओके इट इज अ टू वे और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन है और आप कह सकते हैं बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे एक डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता है और डेटा को रिसीव भी कर सकता है, इन विच बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और कंट्रोल सिग्नल्स इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा वर्ड भी यूज कर सकते हो या सिग्नल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ओके आप सिग्नल्स को सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, बट नॉट एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ये काम, राइट। एक टाइम पे एक डिवाइस एक ही काम कर सकता है, या तो वो डेटा को सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है, ओके। While one device is sending data, the other one will receive and vice versa. जब एक device data को send करता है तो दूसरा device उसको receive करता है। ऐसा नहीं है कि एक जो device है हमारा वो send भी कर रहा है और receive भी कर रहा है। यहाँ पे देखो कट है ना, तो एक time पे एक device एक ही काम कर सकता है। Basically it is a simplex channel where the direction of the transmission can be switched. तो ये किस तरीके का है, simplex communication की तरह ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक time पे एक ही transmission हो सकता है, डेटा या तो सेंड किया जा सकता है या फिर रिसीव किया जा सकता है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फाउंड इन द वॉकी टॉकी वेयर वन कैन प्रेस द पुश टू टॉक बटन एंड टॉक। तो यहाँ पे जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका वॉकी टॉकी, जहाँ पे एक पर्सन एक टाइम पे क्या कर सकता है, बात कर सकता है वॉकी टॉकी के थ्रू। दिस नेबल्स द ट्रांसमीटर, तो वहाँ पे उसके डिवाइस का ट्रांसमीटर, डेटा सेंड करने के लिए यूज होता है ट्रांसमीटर, वो इनेबल हो जाएगा। एंड टर्म्स ऑफ द रिसीवर इन दैट डिवाइस एंड अदर्स कैन ओनली लिसन, ठीक है। तो एक डिवाइस यहाँ पे अगर आपका वॉकी टॉकी है तो एक टाइम पे अगर वो वॉइस क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसी टाइम पर वो वॉइस को रिसीव नहीं कर सकता, राइट, ये सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है, ओके। और अगर दूसरा ट्रांसमिट अगर दूसरा डिवाइस रिसीव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंड किया एक टाइम पे सेंड किया, तो यहाँ पे अगर दूसरा डिवाइस रिसीव कर रहा है तो रिसीव करेगा, वो सेंड नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट वी हैव फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ओके इट इज अ टू वे और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन विच बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये एक दो डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन है जहाँ पे डिवाइसेस एक साथ डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, ओके। नाउ इट इज लाइक अ टू वे रोड वेयर व्हीकल्स कैन गो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ये कैसे है, टू वे रोड की तरह है जहाँ पे व्हीकल्स जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ओके। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज एम्प्लॉयड टू अलाउ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन किया जाता है, एक टाइम पे डेटा सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन आर मोबाइल फोन्स एंड लैंडलाइन टेलीफोन्स। तो मोबाइल फोन में क्या होता है, आप बोल भी रहे होते हो और सुन भी रहे होते हो, ठीक है, आपके पास आवाज आ भी रही होती है और आप उसी टाइम पे बोल भी रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। The capacity of the transmission link is shared between the signals going in both direction. तो जो transmission media है, जो transmission link है दो devices के बीच में, उसकी जो capacity होती है वो share हो जाती है। किसके बीच में share हो जाती है, जो data receive हो रहा है, जो data send किया जा रहा है और जो data receive हो रहा है उसके बीच में, ठीक है। This can be done either by using two physical separate simplex line, या तो क्या हो, जो link है वो उसके अंदर दो simplex line use कर ली जाए, एक किसके लिए send, for sending the data and for and second one for receiving the data, one for sending and other for receiving, ठीक है। और the capacity of the single channel is shared between the signals traveling in different directions, या फिर एक ही link हो, एक ही channel हो, उसकी capacity को share किया जाए, ठीक है। या तो अलग अलग ले लिया जाए, दो simplex ले लिया जाए, एक sending के लिए एक receiving के लिए, या फिर एक ही channel मतलब जो medium होता है, एक ही channel में आप send भी कर रहे हो और आप receive भी कर रहे हो, फाइन।
ओके तो यहाँ पे देखो ये दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है एट द सेम टाइम. क्या हो रहा है, डेटा कंप्यूटर सिस्टम आपका सेंड भी कर रहा है ओके एंड रिसीव भी कर रहा है राइट. स्विचिंग टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. यहाँ पे हम स्विचिंग टेक्निक्स को देखेंगे जिनका यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए राइट. स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क. नेटवर्क्स में डेटा जब ट्रांसफर होता है तो कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिनको स्विचिंग टेक्निक्स कहा जाता है राइट. थ्री स्विचिंग टेक्निक्स आर, यहाँ पे हम तीन स्विचिंग टेक्निक्स को देखेंगे, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. सो फर्स्ट वी हैव सर्किट स्विचिंग. इन सर्किट स्विचिंग व्हेनेवर अ डिवाइस कम्युनिकेट्स विद अनदर डिवाइस. सर्किट स्विचिंग में जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, डेटा का एक्सचेंज करती है, आइदर डेटा को सेंड करती है या रिसीव करती है, तो क्या होता है, अ डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम ओवर द नेटवर्क. तो दोनों डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट हो जाता है. जैसे मान लो ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक पाथ क्रिएट कर दिया जाता है जो टोटली सेंडर और रिसीवर के लिए रिजर्व्ड होता है ओके. और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं फाइन. इट इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स अ प्री स्पेसिफिक रूट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड दिस रूट इज रिजर्व्ड फॉर बोथ डिवाइसेस एज लॉन्ग एज द कनेक्शन इज एक्टिव. तो जब तक कम्युनिकेशन चलेगा तब तक जो रूट क्रिएट हुआ है और यू कैन से पाथ क्रिएट हुआ है या सर्किट क्रिएट हुआ है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा ओके. जब तक सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है ओके ओके. लेकिन ये जो प्री स्पेसिफिक रूट क्यों कहा गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन से पहले इस रूट को बना दिया जाएगा फाइन ओके. अदर डिवाइसेस कैन नॉट यूज दिस स्पेसिफिक रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इस रूट का जो सेंडर और रिसीवर का रूट है ओके, जो रिजर्व रूट है, उसको कोई दूसरा डिवाइस डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकता. In earlier days when we placed a telephone call, the switching equipment within the telephone system, तो यहाँ पर जो circuit switching है वो कहाँ use होता था, ये telephone calls में use होता था circuit switching okay. The switching equipment within the telephone system finds out a physical path or channel all the way from our telephone at home to the receiver's telephone. तो क्या होता था, जब आप अपने फ़ोन से नंबर डायल करते थे तो क्रिएट होता था एक सर्किट, एक पाथ आपके टेलीफोन से रिसीवर के टेलीफोन तक, एक एंड टू एंड डेडिकेटेड पाथ क्रिएट किया जाता था, एक चैनल क्रिएट किया जाता था जिसके थ्रू आपका डेटा, मतलब आपकी वॉइस रिसीवर तक जाए, रिसीवर की वॉइस आप तक जाए ओके. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. तो ये किसका एग्जाम्पल है, सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखो, अगर ये आपका सेंडर है, मतलब ये सेंडर है जिसने कॉल किया है, फिर एक पाथ क्रिएट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स से जाता हुआ वो पाथ है, और यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट चैनल से जाता हुआ पाथ है ओके, एंड रिसीवर तक वो एक डेडिकेटेड पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है फाइन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग ओके. नाउ वी हैव हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन कैसे होता है, सर्किट स्विचिंग हैज थ्री फेसेस. तीन फेसेस के अंदर सर्किट स्विचिंग के में कम्युनिकेशन होता है. सबसे पहले क्या होता है, एस्टेब्लिश अ सर्किट. सबसे पहले सर्किट क्रिएट किया जाता है, एक डेडिकेटेड पाथ को क्रिएट किया जाता है राइट. इन द फर्स्ट फेज A circuit established means a dedicated link established between the sender and the receiver through a number of switching centers or nodes. ओके अब क्या है, जब नेटवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरमीडियरी नोड्स होते हैं ठीक है, सेंटर्स होते हैं, तो उन सब को मिलाकर मतलब एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में ओके. वंस द सर्किट, सेकेंड क्या है, ट्रांसफर द डेटा. Once the circuit is established between the sender and the receiver, जैसे ही sender और receiver के बीच में connection create हो गया है, एक circuit establish कर दिया गया है, एक path establish कर दिया गया है, they can communicate with each other. अब उनके पास एक reserved path है जिसपे वो क्या कर सकते हैं, data transfer कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं okay. Now third जो phase है वो क्या है, disconnect the circuit. Once the communication is completed between the sender and the receiver, the circuit disconnects. अब
क्या है, आपका यूज हो चुका है सर्किट, ओके, तो क्या होगा उसके बाद जो पांच क्रिएट किया गया है उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा, उस सर्किट को डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। द सर्किट डिसकनेक्शन इज डन बाय वन ऑफ द यूजर, द सेंडर और द रिसीवर। अब जब यहाँ पे हम टेलीफोन का एग्जांपल लेते हैं, तो या तो जो सेंडर है जिसने कॉल किया है वो कॉल को कट कर देगा, या रिसीवर जिसने कॉल को रिसीव किया है वो कॉल को कट कर देगा। और जैसे ही कॉल कट होगी तो ये जो रूट स्टेब्लिश हुआ था, ये सर्किट स्टेब्लिश हुआ था, वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, मीन्स वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे थ्री स्टेप्स में और यू कैन से थ्री फेजेस में सर्किट स्विचिंग वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या है, इन मैसेज स्विचिंग नो डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैसेज स्विचिंग में कोई भी डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीवर के बीच में नहीं बनाया जाता है, ओके। इन दिस टेक्निक द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डेटा और द मैसेज टू द स्विचिंग ऑफिस और स्विचिंग नोड्स फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सेंडर कंप्यूटर, मतलब जिस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, राइट, वो क्या करता है, किसी भी नोड को या इन बिटवीन जितने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ओके, तो जो डिवाइस डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है उसे हम स्विचिंग नोड बोलते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पे जो सोर्स कंप्यूटर है अपना डेटा सेंड करेगा किसके पास, स्विचिंग ऑफिस के पास और यू कैन से स्विचिंग नोड के पास, विच स्टोर्स द डेटा इन इट्स बफर। और वो नोड क्या करता है, वो डिवाइस क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है अपने बफर के अंदर। इट देन लुक्स फॉर अ फ्री लिंक टू अनदर स्विचिंग ऑफिस। जैसे यहाँ पे देखो ये सोर्स है, इसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, स्विचिंग नोड है, उसने स्विचिंग नोड मतलब दूसरा डिवाइस है जो एज अ स्विचिंग नोड वर्क कर रहा है, जिसका क्या काम है, मैसेज को रिसीव करना, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने बफर में, अपनी मेमोरी में उसको स्टोर किया और आगे देखा कौन सा लिंक फ्री है, कहाँ वो डेटा सेंड कर सकता है, राइट, ओके, और जैसे ही उसको कोई लिंक फ्री मिलता है, इट देन सेंड्स द डेटा टू दिस ऑफिस। क्या करता है, वो डेटा को दूसरे स्विचिंग नोड के पास भेज देता है, ओके। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द डेटा इज डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स। ये प्रोसेस कब तक चलता है, एक नोड से दूसरे नोड पर, एक स्विचिंग नोड से दूसरे नोड पर डेटा का ट्रांसफर होना, जब तक कि जो रिसीवर कंप्यूटर है उसके पास डेटा पहुँच नहीं जाता, ओके, या डिलीवर नहीं हो जाता। डेट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इसलिए मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को एक नोड स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, जब तक कि आपका रिसीवर और यू कैन से डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता। फाइन, इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ होल। जब मैसेज स्विचिंग में मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो ब्रेक नहीं किया जाता, वो कंप्लीट मैसेज एज अ होल ट्रांसफर कर दिया जाता है, हैविंग डेस्टिनेशन एड्रेस अपेंडेड ऑन इट। और मैसेज के ऊपर क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तभी तो वो आगे जा पाएगा, अगर एड्रेस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैसेज को कहाँ पहुँचाना है, ओके, फ्रॉम सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। फाइन, तो मैसेज स्विचिंग में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, वो कंप्लीट मैसेज ट्रांसफर होता है और उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। फाइन, तो दिस इज आर मैसेज स्विचिंग, ओके, जिसके अंदर क्या है, एक नोड से दूसरे नोड में डेटा ट्रांसफर होता है और मैसेज ट्रांसफर होता है, राइट, और इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैकेट स्विचिंग। इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट होने वाला है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जिसका एक्सचेंज होने वाला है, सबसे पहले उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट, और इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, पैकेट्स। और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। फाइन, दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। और ये जो पैकेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं,
ओके, डिफरेंट पैकेट्स ऑफ द सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे पैकेट्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें सेम रूट फॉलो करना है. डिफरेंट पैकेट्स, एक सेम मैसेज के डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को फॉलो करके ट्रांसमिट हो सकते हैं. जो रूट उनको सुटेबल लगता है, ओके, जो रूट उनको अवेलेबल लगता है उस रूट्स को वो फॉलो करके, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स उस रूट को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं. ओके, ईच पैकेट हैज़ टू पार्ट्स. अब पैकेट्स जो क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स एक मैसेज के जो हम बने हैं, उनके दो पार्ट्स होते हैं. अ हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. हेडर पार्ट में क्या होता है, जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना है उसका एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन, एंड द मेन मैसेज पार्ट, और मैसेज का पार्ट. फाइन, अगर हेडर इन्फॉर्मेशन में एड्रेस नहीं होगा डेस्टिनेशन का, तो कैसे ट्रेवल करेंगे और कैसे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. फाइन, व्हेन ऑल द पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन, जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, दे आर रीअसेंबल्ड एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर. रिसीवर कंप्यूटर पे जाकर सारे पैकेट्स क्या होते हैं, रीअसेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में. जिस मैसेज, जिस रियल मैसेज को भेजा गया था, उसी रियल मैसेज में वो कन्वर्ट होते हैं, असेंबल होते हैं. ओके, एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और रिसीवर कंप्लीट मैसेज को रिसीव करता है. फाइन, तो यहाँ पे देखो आपके पिक्चर में दिया है, सोर्स कंप्यूटर ने क्या किया है, डेटा सेंड किया. यहाँ पे डेटा सेम साइज के पैकेट्स में डिवाइड हो गया है, 1, 2, 3, 4. राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1, ये नोड्स हैं, इन बिटवीन नोड्स हैं. राइट, तो यहाँ पे 4 and 1, ये S1 से S1 उन्होंने ये वाला पाथ लिया, लेकिन जो पैकेट 2 and 3 था उन्होंने ये वाला पाथ लिया. फाइन, फिर जो पैकेट 1 था उसने ये वाला पाथ लिया, पैकेट 2 ने आपका ये वाला पाथ लिया, एंड पैकेट 4 and 3 ने ये वाला पाथ लिया. तो देखो यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं. फिर अगेन 1 and 2 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया, एंड 4 and 3 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया. ओके, एंड नाउ डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ये देखो, जब पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कि पैकेट 1 पहले पहुंचेगा फिर पैकेट 2 पहुंचेगा, ऐसा नहीं है. ये अलग अलग पहुंचते हैं, कोई भी पैकेट पहले पहुंच सकता है, कोई भी पैकेट बाद में पहुंच सकता है. फाइन, जैसे यहाँ पे देखो 2, 1, 3, 4, ये इस सीक्वेंस में पैकेट्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं. अब यहाँ पे आने के बाद, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आने के बाद, ये रीअसेंबल हो जाएंगे, रियल मैसेज के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड देन देखो डेस्टिनेशन ने क्या रिसीव किया है, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 क्या है, जो रियल मैसेज ट्रांसफर हुआ था वो. ओके, सो दिस इज पैकेट स्विचिंग. ट्रांसमिशन मीडियम विच इज यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क. अ ट्रांसमिशन मीडियम इज अ कम्युनिकेशन चैनल. ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है, डेट कैरीज सिग्नल्स और डेटा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. वो मीडियम, वो चैनल जो क्या करता है, डेटा को कैरी करता है, ओके, ट्रांसफर करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, एज वी स्विच ऑन अ सीलिंग फैन और अ लाइट बल्ब, द इलेक्ट्रिक वायर इज द मीडियम. जैसे ही आप क्या करते हो, सीलिंग फैन को या लाइट बल्ब के स्विच को ऑन करते हो, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक वायर इज द मीडियम डेट कैरीज इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम स्विच टू द फैन और द बल्ब. राइट, तो इलेक्ट्रिक वायर जो कनेक्टेड होता है स्विच से, किसके साथ, आपके फैन के साथ या बल्ब के साथ, वो क्या है, वो मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है. जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, ओके, उस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बल्ब में चले जाते हैं, फैन में चले जाते हैं. ओके, एंड दैट स्टार्ट्स वर्किंग, आपका बल्ब ऑन हो जाता है, आपका फैन ऑन हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडियम है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर. जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है और जो डेटा को रिसीव कर रहा है, फाइन, उन दोनों को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा सोर्स है और हमारा डेस्टिनेशन है. तो डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम. राइट, नाउ ट्रांसमिशन की मीडियम कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. हमने ट्रांसमिशन मीडियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वी हैव गाइडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया. जहाँ पे वायर्स का यूज होता है, केबल्स का यूज होता है, उसको आप वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं और गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं. राइट, सेकंड वन इज वायरलेस मीडिया, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हो. राइट, और यू कैन से वेव्स का यूज करते हो, उसको हम कहेंगे वायरलेस मीडिया. ओके, और या उसको आप अनगाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं. राइट, नाउ वी हैव
अ पिक्चर हेयर, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ओके, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। वायर्ड मीडिया में आप यहाँ पे कुछ वायर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ओके, जो कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जिनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वी हैव द ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फायर ऑप्टिक केबल, राइट। तो ये हमारा क्या है, वायर्ड मीडिया है, जहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, वायर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है। सेकंड क्या है आपका, वायरलेस मीडिया, जहाँ पे वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, राइट। तो इसमें आपका रेडियो वेव्स आप यूज़ करते हो, माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं, एंड इंफ्रारेड वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, तीनों कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे क्रिएटेड होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, दे आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करते हो, वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है, फाइन। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव वायर्ड और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, एनी फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर और केबल डेट कैन कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडिया। वायर ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आप फिजिकल लिंक का यूज़ करते हो। फिजिकल मीन्स जो है, जो लिंक क्या है, विजिबल है, ओके, टेंजिबल है, आप उसको टच कर सकते हो, ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वायर्स और केबल्स, राइट। तो यहाँ पे आपका डेटा कौन कैरी कर रहा है, वायर और केबल कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, एंड दैट ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड एज वायर ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, थ्री कॉमनली यूज्ड गाइडेड और वायर्ड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन आर, जो सबसे कॉमन क्या है, वायर्ड मीडिया है, वो क्या है आपका, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फायर ऑप्टिक केबल, राइट। ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो यहाँ पर हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं। ओके, दीज टू केबल्स कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेयर एज ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज द लाइट सिग्नल्स। बट ऑप्टिकल फाइबर जो आपका केबल होता है, वो किस फॉर्म में डेटा को कैरी करता है, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को कैरी करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। नाउ हियर वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड पेयर आपका कैसे बनता है, आपने यहाँ पे दो कॉपर वायर्स को एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट किया हुआ है, फाइन। बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। यहाँ पे जो कॉपर वायर है उनके ऊपर आपने प्लास्टिक कवर को चढ़ाया है, जिससे इंसुलेशन प्रोवाइड हो सके, एक वायर का सिग्नल दूसरे वायर के अंदर ट्रांसफर ना हो। यूजली अ नंबर ऑफ सच पेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर को एक प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग, आउटर कवरिंग के अंदर एनक्लोज कर सकते हो, राइट। ओके, तो जो ट्विस्टेड पेयर आपका केबल बना है, उसके अंदर क्या है, मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइन। ओके, नाउ हियर वी हैव द यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर क्लोज बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट किया गया है वायर्स को, उसका क्या यूज होता है, उस ट्विस्ट करने से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, मतलब एक पेयर की इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मतलब एक पेयर के सिग्नल्स दूसरे पेयर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ओके, फिर से पढ़ते हैं, देखो द यूज़ ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द सिमिलर पेयर्स क्लोज बाय, फाइन। तो एक दूसरे से ट्विस्ट करने में, जहाँ पे कॉपर वायर्स को आपने ट्विस्ट किया हुआ है, तो क्या होता है, जो और पेयर्स आपने एक प्रोटेक्टिव रैपिंग के अंदर कवर किए हुए हैं, या और यू कैन से एनक्लोज किए हुए हैं, तो यहाँ पे एक पेयर के सिग्नल दूसरे पेयर के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। ओके, ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइन्स एंड लेंस। तो ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, और इनका यूज़ टेलीफोन लाइन्स में और लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट करने में किया जाता है। दीज केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल्स टू टाइप्स के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वर्सेस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स
ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर. ओके, तो यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या है, एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट है. दिस केबल कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पस. तो यहाँ पे क्या है, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है. ओके, और उसको एक आउटर कवरिंग ने एनक्लोज किया हुआ है, कवर किया हुआ है. फाइन, इसके अलावा और कोई दूसरा एक्स्ट्रा शील्ड नहीं है. राइट, इट इज़ एम्प्लॉयड इन टेलीफोनिक एप्लीकेशन, इसका टेलीफोनिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ वी हैव द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी. पहले क्या था, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं थी. ओके, एक सिंपल प्लास्टिक कवरिंग थी टू एनक्लोज टू कवर द पेयर्स. राइट, नाउ वी हैव द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. एसटीपी केबल्स कम विद ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड वायर पेयर कवर्ड इन मेटल फॉयल और मेटल शीट. तो यहाँ पे क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक एक्स्ट्रा मेटल शील्ड से इसको कवर किया गया है, विच प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो बाहर के डिस्टर्बेंस को रोकती है. नॉइस एंड क्रॉस टॉक, ठीक है. क्रॉस टॉक क्या होता है, जब एक कम्युनिकेशन मीडिया के सिग्नल दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर जाके इंटरफेयर करते हैं. फाइन, ओके, तो अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं. फाइन, तो इसको ये रोकती है. इट इज़ यूटिलाइज्ड इन हाई डेटा रेट इथरनेट. तो इथरनेट केबल क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है. एंड टेलीफोनिक एंड टेलीफोन वॉइस एंड डेटा चैनल्स, और टेलीफोन लाइंस बनाने के लिए भी आपका ट्विस्टेड पेयर, मींस कौन से ट्विस्टेड पेयर का, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज़ किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, अनशील्डेड के अंदर आपका मेटल शील्ड नहीं है, और बट आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर मेटल शील्ड है. फाइन, ओके, नाउ वी हैव द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. इट हैज़ अ लो वेट, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, इट कैन बी ईजिली कनेक्टेड, आप इजिली इसको कनेक्ट कर सकते हो. इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, और ये वायर बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इनकैपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर्स. अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये सिग्नल कैरी नहीं कर सकते, जब तक कि आप रिपीटर्स को नहीं लगाओगे इन बिटवीन. फाइन, तो आप अगर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो बीच में आपको रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा टू रीजनरेट द सिग्नल्स. फाइन, ड्यू टू लो बैंडविथ, ठीक है. बैंडविथ क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब कितना डेटा ट्रांसमिट होता है एक कनेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम में. ओके, ड्यू टू लो बैंडविथ, तो इसकी बैंडविथ क्या होती है, लो होती है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. दीज आर नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन. तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, नेक्स्ट वी हैव कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोएक्सियल केबल है. ओके, जो कैसे क्रिएट होता है, कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल. कोर ऑफ द कोर क्या होता है, द वायर दैट इज़ कनेक्टेड टू द कनेक्टर. यहाँ पे हम किसको कनेक्ट करेंगे, हम कॉपर वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर के साथ, ठीक है. तो जो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो इसका कॉपर कोर है. फाइन, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल विच इज सराउंडेड विद इंसुलेटिंग मटीरियल. अब इसको इससे किससे कवर किया गया है, इंसुलेटिंग मटीरियल से कवर किया गया है. ओके, द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर. और इंसुलेटर को भी एक आउटर कंडक्टर से कवर किया गया है, यूजली अ कॉपर मैश. ओके, तो यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉपर कोर है, उसको आपने इंसुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेटिंग मटेरियल को भी कवर किया गया है आउटर कंडक्टर से. ओके, दिस आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर. अब ये जो आउटर कंडक्टर है उसको भी प्लास्टिक कवर के अंदर रैप किया गया है. ओके, तो यहाँ पे थ्री कवरिंग्स प्रोवाइड की गई हैं कॉपर कोर को, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इट्स शील्डेड डिज़ाइन. यहाँ पे कितनी ज़्यादा शील्ड प्रोवाइड की गई है कोएक्सियल केबल के अंदर, तो यहाँ पे इसकी जो सक्सेस है वो क्या है, इसकी शील्डेड डिज़ाइन है डेट अलाउज द केबल्स
कॉपर कोर टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली। यहाँ पे देखो कोई भी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आ सकती क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो कॉपर कोर है वो इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब आउटर इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आएगी। ओके ओके कोएक्सियल केबल इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो इसी वजह से कोएक्सियल केबल क्या करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। कोएक्सियल केबल प्रोवाइड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है केबल टीवी प्रोवाइड करने के लिए। ओके बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट मल्टीपल चैनल्स, राइट। तो यहाँ पे जो कोएक्सियल केबल है वो क्या है, एक चीप मीन्स है, एक सस्ता साधन है मल्टीपल चैनल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, ओके सिटीज़ के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज बाई लार्ज कॉरपोरेशंस इन बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स, और इसका बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज़ किया जाता है। ओके एडवांटेज एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट ट्विस्टेड पेयर केबल से बेटर है, ज़्यादा है। ओके ये ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करता है विद इन अ गिवन टाइम। द कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। दैट इज सेवरल चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एज विद द केबल टीवी। केबल टीवी कनेक्शंस के लिए भी कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है क्योंकि कोएक्सियल केबल एक साथ मल्टीपल चैनल्स को ट्रांसफर कर सकता है। फाइन नाउ वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल, एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एज अ कोएक्सियल केबल हैज मल्टीपल लेयर्स इट इज़ वेरी बल्की, और कोएक्सियल केबल बहुत ज़्यादा बल्की होता है, हैवी होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटीरियल। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इट इज़ लाइक अ ग्लास स्ट्रैंड, ओके ग्लास के धागे की तरह होता है, विच कैरीज लाइट, जो लाइट को कैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, फ्रॉम सेंटर टू द रिसीवर। ओके अ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग। और ये जो थिन स्ट्रैंड होता है ग्लास का वो किससे कवर होता है, वो क्लैडिंग से कवर होता है, राइट। ओके दिस होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद एन आउटर जैकेट मेड ऑफ पीवीसी और टेफलन। और ये जो पूरा यहाँ पे सबसे जो इंटीरियर है, जो सबसे अंदर है, वो क्या है, थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास है जो डेटा को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके ऊपर है क्लैडिंग, वो लेंस डेंस ग्लास है, और उसके ऊपर क्या है, एक कवरिंग है, ओके मेड अप ऑफ पीवीसी और टेफलन। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल करता है। फाइन इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। तो यहाँ पे मैसेजेस को लाइट वेव्स के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाता है, ओके एंड देन इसको ट्रांसफर किया जाता है। फाइन ओके नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स बेटर नॉइस इम्यूनिटी। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ज़्यादा नॉइस इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ओके इसके अंदर नॉइस नहीं पहुँचती है, नॉइस का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी। ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट डेटा, ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद हाई सिक्योरिटी। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ हाई, इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत हाई है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर ऑफ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट के होते हैं, बहुत ही कम वेट होता है इनका। इट हैज़ हाई बैंडविड्थ, राइट, इसकी बैंडविड्थ हाई है, ओके इट कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ गिवन टाइम, विच मीन्स हाई डेटा ट्रांसफर रेट। इसकी बैंडविड्थ हाई है, इसका मतलब है इसका डेटा ट्रांसफर रेट भी हाई है। ओके नाउ वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर्स आर एक्सपेंसिव एंड यूनिडायरेक्शनल। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करेगा। टू केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर आपको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर, तो आपको दो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फाइन ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्वाइट फ्रेजाइल, दैट्स वाई नीड स्पेशल केयर विद इंस्टॉलेशन। तो यहाँ
जहाँ पे ग्लास फाइबर से बनता है, तो ये बहुत ही क्या होता है, कोमल होता है, ओके, तो इजली ये ब्रेक हो सकता है। तो इसका इसको इंस्टॉल करते हुए बहुत ही स्पेशल केयर का बहुत ही स्पेशल केयर की जाती है। वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बेस्ड ऑन देयर फ्रिक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई हैं, ओके, कैटेगराइज की गई हैं। दीज कैटेगरीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं वो किसके अकॉर्डिंग की गई हैं, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज। फाइन, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रिक्वेंसी है, उसके ज्यादा माइक्रोवेव की है, देन इंफ्रारेड वेव्स की है, देन उससे ज्यादा विजिबल लाइट की है, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, देन एक्स रेज की इससे ज्यादा है, एंड गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। Out of these, radio waves, microwaves and infrared waves are used for wireless communication. तो wireless communication के लिए radio waves, microwaves and infrared waves का use किया जाता है. Okay, so first we have radio waves. Radio waves have frequency range from 3 kilohertz to 1 gigahertz. Radio waves की frequency होती है 3 kilohertz to 1 gigahertz. These waves are omnidirectional in nature. जो आपका रेडियो वेव्स हैं वो क्या है, omnidirectional है। omnidirectional means ये चारों दिशाओं में फैलती है, okay? Which means that they can travel in all directions. इसका मतलब है कि ये हर direction में जाती हैं। They are widely used for communication between both indoor and outdoor because they have the property that they can penetrate through the walls very easily. तो इनका बहुत ज़्यादा use किया जाता है indoor communication के लिए, outdoor communication के लिए, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, ये solid object को penetrate कर सकती है, wall के आस पास जा सकती हैं, right? These waves are usually used for AM and FM radio radio. तो यहाँ पे radio waves का use किया जाता है FM radios के लिए, televisions के signals के लिए, cellular phone signals के लिए, wireless lens के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप local area connect, wireless local area network create कर रहे हो, okay? Advantages of radio waves. Radio waves are easy to generate. इनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है. Radio waves offer mobility at lower price. तो यहाँ पे ये बहुत ही कम price पर data transfer ability आपको provide कर रही है. Fine. It has a very low setup price as it doesn't need digging and laying the cables. ये क्या है, एक wireless medium है जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है digging करने के लिए या फिर cables लगाने के लिए. ये आपको बहुत ही कम price पर डेटा ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेडियो वेव्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। नो लैंड एक्विजिशन राइट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन नहीं चाहिए, ओके। इट प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांसमिशन इन कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल कंडीशंस। कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल कंडीशंस में भी ये इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। Fine, now we have the disadvantage of radio waves. Radio wave communication is an insecure communication. Radio wave communication क्या है, insecure communication है, इसको trap किया जा सकता है। It gets affected by the weather, और ये weather से effect हो जाती है, like rain, thunderstorms में क्या होता है, ये waves क्या होती हैं, effect हो जाती है, data transfer properly नहीं कर पाती हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैव फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन 1 GHz टू 300 GHz। तो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 GHz से 300 GHz तक है, ओके। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। माइक्रोवेव क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, दे कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। फाइन, माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेंट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो ये रेडियो वेव्स की तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती हैं, ओके। माइक्रोवेव्स नीड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन चाहिए, मीन्स ये एक ही लाइन में ट्रेवल करती है। बोथ कम्युनिकेशन एंटीना मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, राइट। तो माइक्रोवेव्स कैसे डेटा ट्रांसफर करेगी, जब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो, लाइक आप फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रिसीवर को डेटा रिसीव करने के लिए उसी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। फाइन, ओके।
माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट. तो माइक्रोवेव क्या है, एक ही लाइन में डेटा ट्रांसफर करती है. ओके, पॉइंट टू, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है और यू कैन से यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है. लाइक आपका सैटेलाइट हो गया, रडार कम्युनिकेशन हो गया, राइट. माइक्रोवेव्स प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी. इसकी जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. ओके, दे आर used to transmit signals such as mobile phone calls. माइक्रोवेव्स का यूज़ मोबाइल फ़ोन कॉल्स के लिए, मोबाइल फ़ोन कॉल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, राइट. एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अलाउज फॉर वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, मेकिंग इट यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट एंड इंटरनेट कनेक्शन. तो माइक्रोवेव्स क्या है, बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करती है डेटा को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है. टेलीफोन सॉरी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मेकिंग इट यूज़फुल फॉर कनेक्टिंग रिमोट एरियाज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो माइक्रोवेव्स क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, इसलिए इनको इनका यूज़ किया जाता है रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रिमोट एरियाज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए. फाइन, सेटिंग अप अ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी लेस एक्सपेंसिव दैन लेइंग केबल्स और बिल्डिंग टावर्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो यहाँ पे ये वायर्ड ट्रांसमिशन से क्या है, चीपर है, चीपर ट्रांसमिशन मीडिया है. फाइन, ओके, ये लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द वायर्ड ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी एनक्रिप्टेड, मेकिंग देम मोर सिक्योर देन सम अदर फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. माइक्रोवेव्स के थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, कोडेड फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो यहाँ पे माइक्रोवेव क्या करिए, एक सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसफ़र करिए. ओके, नाउ वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव. हैवी रेन, स्नो और फॉग्स कैन इंटरफेयर विद माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड कॉज डिसरप्शंस इन सर्विस. तो अगर वेदर ख़राब है, बहुत ज़्यादा रेन है, स्नो है, फॉग है, तो माइक्रोवेव क्या से डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है. फाइन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रिक्वायर अ क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. अब यहाँ पे ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र करती है. तो इट इज़ द रिक्वायर्ड दैट ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही लाइन में हों, राइट. विच कैन बी अफेक्टेड बाई बिल्डिंग्स और नेचुरल ऑब्स्टेकल्स. जो अफेक्ट हो सकता है बिल्डिंग्स के थ्रू या फिर कुछ और नेचुरल ऑब्स्टेकल के थ्रू, राइट. सम स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइक्रोवेव फ्रॉम ट्रांसमिशन टावर्स कुड बी हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ. तो यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनसे ये पता गया कि अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव्स के संपर्क में लोग आते हैं तो उससे हेल्थ हजार्ड भी हो सकते हैं, हेल्थ भी ख़राब हो सकती है. फाइन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी डिसरप्टेड बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज रडार सिस्टम, सेल फोन्स डेट ऑपरेट ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी. अगर सेम फ्रिक्वेंसी पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को डिसरप्ट कर सकता है. ओके, उसको डिस्टर्ब कर सकता है. फाइन, नाउ वी हैव द इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए. अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 meters के कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है. ओके, दे कैन नॉट पेंट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज वॉल्स. इंफ्रारेड वेव्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती हैं. ओके, उनके आर पार नहीं जा सकती हैं. दे आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है छोटे डिस्टेंस के लिए और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, सच एज रिमोट कंट्रोल्स डेटा यूज फॉर, जैसे आप किसका यूज़ करते हो, रिमोट कंट्रोल्स का यूज़ करते हो. जब आप रिमोट कंट्रोल को का यूज़ करते हो तो जो वेव ट्रांसफ़र होती है वो इंफ्रारेड वेव होती है. ओके, जब आप अपना टीवी स्विच ऑन करते हो या डीवीडी प्लेयर स्विच ऑन करते हो या एसी स्विच ऑन करते हो, स्टूडियो सिस्टम ऑन करते हो विद द हेल्प ऑफ द रिमोट कंट्रोल्स, तो वो क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो कमांड ट्रांसफ़र होती है, वो इंफ्रारेड वेव्स की हेल्प से ट्रांसफ़र होती है. ओके, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. ये भी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है. सो इन्फॉर्मेशन पास टू वन डिवाइस इज नॉट लीक टू अनदर डिवाइस. तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है, राइट, वो दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र नहीं होती है, लीक नहीं होती है. जैसे आपने देखो, रिमोट से आपने टीवी को स्विच ऑन किया, यहाँ पे जो रेज ट्रेवल हो रही हैं टीवी को स्विच ऑन करने के लिए, वो कौन सी हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन हैं. फाइन,
Now we have advantages of infrared waves. It provides secured communication due to line of sight or point to point mode of communication. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइन. तो ये क्या है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन है, फाइन. द बैटरी यूज्ड इन इंफ्रारेड डिवाइसेस लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यू टू लोअर पावर कंजप्शन. तो इंफ्रारेड डिवाइस जो बैटरीज यूज करते हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चल सकती है क्योंकि इंफ्रारेड रेज बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है. ओके. इंफ्रारेड मोशन सेंसर डिटेक्ट मोशन इन डे टाइम एंड नाइट टाइम रिलायबली. तो जो इंफ्रारेड जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, उसके सेंसर्स डे टाइम में भी और नाइट टाइम दोनों टाइम वर्क कर सकते हैं इजीली. इट प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टम. तो यहाँ पे देखो वायरलेस कनेक्शन है बिटवीन टू सिस्टम्स, राइट. तो इंफ्रारेड वेव्स वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करती है दो सिस्टम्स के बीच में. देयर इज नो लाइसेंस नीडेड टू फैसिलिटेट इट. इंफ्रारेड रेज को यूज करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसीज आर अफेक्टेड बाय हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल, डोर, स्मोक, डस्ट, फॉग, सनलाइट एक्सेट्रा. तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में बैठे हो और आप दूसरे रूम में रख के टीवी को स्विच ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स वर्क नहीं करेंगी क्योंकि वॉल्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती, राइट. ओके. हैंस इट डजेंट वर्क थ्रू द वॉल्स और डोर्स. तो वॉल्स के थ्रू या डोर्स के थ्रू ये पेंट्रेट नहीं कर सकती. इंफ्रारेड वेव्स एट हाई पावर कैन डैमेज आइस. अगर आप बहुत इंफ्रारेड वेव्स को का यूज कर रहे हो, राइट, और आप उसको देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी आइज को डैमेज हो सकता है, फाइन. इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर टू कम्युनिकेट. तो यहाँ पे जो रिसीवर है और ट्रांसमीटर है वो एक ही लाइन में होने चाहिए, फाइन, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है. Fine. It supports shorter range and hence it performance degrades with longer distance. तो infrared rays कैसे work करती हैं, एक छोटे से distance पे ही work करती हैं. तो अगर आप distance को increase कर दोगे तो यहाँ पे उसकी performance degrade हो जाएगी, कम हो जाएगी. It supports lower data rate transmission compared to the wired transmission. तो यहाँ पे जो data transfer हो रहा है वो क्या है, कम data transfer हो रहा है as compared to the wired transmission. Wired transmission में आप ज़्यादा data को ट्रांसफर कर सकते हो. मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, हम यहाँ पे मोबाइल की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में समझेंगे. टुडे द मोबाइल फोन नेटवर्क इज द मोस्ट यूज नेटवर्क इन द वर्ल्ड. आज के टाइम पर जो आपका मोबाइल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है, राइट. द आर्किटेक्चर ऑफ द मोबाइल नेटवर्क हैज रैपिडली इवॉल्व ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स. जो आपके मोबाइल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, उसका डिजाइन है, वो कुछ डिकेड्स मतलब कुछ वर्षों से वो रैपिडली इवॉल्व हुआ है, मतलब बहुत उसका डेवलपमेंट हुआ है, फाइन. द डिफरेंट लैंडमार्क अचीवमेंट्स इन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट जनरेशन. जो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर अचीवमेंट्स हुए हैं, राइट, उसकी टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ है, ओके, उसको आपने डिफरेंट जनरेशन्स का नेम दे दिया है. उनको आपने जनरेशन्स का नेम दे दिया है. दे आर आइडेंटिफाइड एज 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, राइट. तो जो भी अचीवमेंट्स आए हैं मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में वो आपने डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड कर दिए हैं. ओके, तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन 1G मोबाइल नेटवर्क सिस्टम. द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड 1982. जो आपका 1G आया था वो कब आया था, 1982 में आया था. इट वॉज यूज टू ट्रांसमिट ओनली वॉइस कॉल, और इसकी हेल्प से आप सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे, राइट. द एनालॉग सिग्नल्स वर यूज टू कैरी वॉइसिस बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर. और इसके अंदर किसका यूज किया जाता था, इसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता था टू ट्रांसमिट द वॉइस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर. ओके, अब आया आपका 2G मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम. द सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड 1991 में आपका सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम आया. इंस्टेड ऑफ द एनालॉग सिग्नल वॉइस कॉल वर ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म, दस प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी. तो अब यहाँ पे क्या चेंज आया, जो वॉइस कॉल आपका एनालॉग से हो रहा था वो अब किससे हो गया, वो अब डिजिटली आपका ट्रांसमिट होने लगा, राइट. ओके, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होने लगा. द इंक्रीज्ड कैपेसिटी अलाउड मोर पीपल टू टॉक साइमल्टेनियसली. इससे क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई और इससे हेल्प मिली, बहुत सारे लोग एक साथ
बात कर सकते थे एंड लेड टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एज द सिग्नल्स कुड बी एनक्रिप्टेड। और यहाँ पे जो आपके सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में थे उनको आप एनक्रिप्ट भी कर सकते थे, एनक्रिप्ट मतलब उनको आप कोडेड फॉर्म में भी सेंड कर सकते थे, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो गई। ओके, इट ऑल्सो इनेबल्ड एन एडिशनल सर्विस टू सेंड SMS एंड MMS। और यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक एडिशनल सर्विस भी मिल गई, आप शॉर्ट मैसेजेस सेंड करने लगे और आप मल्टीमीडिया मैसेजेस भी सेंड करने लगे। जब आपका जो आपकी कॉल्स किसकी हेल्प से हो रही है, डिजिटल आप सिग्नल्स की फॉर्म में आपकी कॉल्स हो रही है, फाइन। ओके, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया जो बताया जा रहा है वो किसका बताया जा रहा है, जब आपकी कॉल्स कैसे होने लगी थी, आपकी इंटरनेट के थ्रू कॉल्स होने लगी थी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आया थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, राइट। द थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग लेट 90s। तो आपका जो 3G आया वो लेट 90s में आया, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस कमर्शली अराउंड 2001। लेकिन इसको मार्केट में कब उतारा गया, 2001 में उतारा गया। इट ऑफर्ड बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विस। तो यहाँ पे क्या, आपका मोबाइल ने आपको क्या फैसिलिटी दी, आप डिजिटली मतलब इंटरनेट के थ्रू आप अपनी वॉइस भी सेंड कर सकते हो, डेटा भी सेंड कर सकते हो। 3G प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस बाय द सेम रेडियो टावर्स डेट प्रोवाइड वॉइस सर्विसेज टू द मोबाइल फोन। अब 3G जो आपका जनरेशन था उसने क्या किया, जिस रेडियो टावर से आपको रेडियो मिल रहा था वहां से आपको इंटरनेट भी एक्सेस होने लगा, ठीक है। इट फैसिलिटेटेड ग्रेटर वॉइस एंड डेटा कैपेसिटी, आपकी वॉइस की एंड डेटा की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। देयरफॉर मोर साइमल्टेनियस कॉल्स कुड हैपन इन द सेम फ्रिक्वेंसी रेंज। अब एक सेम फ्रिक्वेंसी रेंज में बहुत सारी कॉल्स को ट्रेवल किया जा सकता था एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंटली फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड। और आपको एक डेटा जो आपकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट आपका आया 4G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G इज मच फास्टर देन 3G। 3G से ज़्यादा फास्ट क्या है, आपका 4G है। एंड दिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाय ब्रिंगिंग द वायरलेस एक्सपीरियंस टू अ न्यू लेवल ऑल टुगेदर। आपको पता है आज के टाइम पे हम मोस्टली 4G ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, एक रिवोल्यूशन ला के टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, एक रिवोल्यूशन को ये लेके आया, ठीक है। जहाँ पे क्या है, आपको आपने एक वायरलेस एक्सपीरियंस, एक न्यू लेवल का वायरलेस एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, ठीक है। जहाँ पे क्या, आप देखो अपने मोबाइल फोन से पहले क्या होता था, आपके लैंडलाइंस हुआ करते थे, राइट। अब आपके पास क्या है, आपके पास आप पोर्टेबल मोबाइल फोन से आप कहीं पे भी उनको ले जा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रेवल कर रहा है वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वो वायरलेसली आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है, फाइन। 4G सिस्टम सपोर्ट इन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस वीडियो वायरलेस इंटरनेट एंड अदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो सबको पता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया आप शेयर कर सकते हो, अपनी वॉइस वीडियो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली 4G इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द 3G। तो यहाँ पे अगर हम 4G को देखें तो वो 3G से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भी है, राइट। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। द फिफ्थ जनरेशन और 5G इज करेंटली अंडर डेवलपमेंट। 5G का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ऑल्दो ये इंडिया में नहीं आया है बट बाहर ही आ चुका है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी माइलस्टोन डेवलपमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ IoT एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो 5G क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो बेसिक यूज किया जाएगा वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, उन डिवाइसेस के लिए किया जाएगा जो क्या करते हैं, सेंसर की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं होगी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो जाएगा, डिवाइसेस के बीच में अपने आप कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मशीन टू मशीन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस वायर्ड एंड वायरलेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो डिवाइसेस वायर्ड हो, ओके, या फिर वायरलेस हो। 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डेटा ट्रांसफर इन गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो 5G में जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रांसफर होगा, गीगाबिट्स में ट्रांसफर होगा, विच इज मच फास्टर देन द 4G, जो कि 4G से बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू सपोर्ट ऑल डिवाइसेस ऑफ द फ्यूचर सच एज कनेक्टेड व्हीकल्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसकी हेल्प से जितने भी डिवाइसेस फ्यूचर्स में आने वाले हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कौन से डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने आपको बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, राइट। तो अगर आप जो भी कमांड्स दोगे तो वो उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो जब 5G आएगा तो आपको कमांड्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अपने आप, एक मशीन दूसरी मशीन को अपने आप कमांड देके काम करवा लेगी,
राइट, तो ये आपकी क्या है, फाइव जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल और यू कैन से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स आउटलाइनिंग हाउ कनेक्टेड डिवाइसेस कम्युनिकेट अक्रॉस अ नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल क्या है, ये है एक सेट ऑफ रूल्स, ओके, रूल्स का एक सेट बनाया गया है जो ये बताता है कि जितने भी डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, ओके, जितने भी डिवाइसेस एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इजिली एंड सेफली, जिससे कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। फाइन, तो प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, ओके, विच इज फॉलोड बाय ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड इन द नेटवर्क। प्रोटोकॉल वो रूल्स का सेट है जिसको जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको फॉलो करना होता है। फाइन, ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू नेटवर्क नीड टू फॉलो प्रोटोकॉल, जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, जिससे कि वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। फाइन, प्रोटोकॉल सर्व्स एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर डिवाइसेस टू इनेबल कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है डिवाइसेस के बीच में, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और इंटरनल प्रोसेस। अब देखो, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, ओके, उनके सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं, हार्डवेयर डिफरेंट होता है, इंटरनल प्रोसेस डिफरेंट होता है, फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मेन रोल किसका है, यहाँ पे मेन रोल प्रोटोकॉल का है जो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है डिवाइसेस के बीच में, ओके, और कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराता है। फाइन, इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट्स इंक्लूडिंग हाउ डेटा इज एनकैप्सुलेटेड एड्रेस राउटेड एंड ट्रांसमिटेड। देखो, इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा पैकेट्स। आपको पता है नेटवर्क में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो डेटा पैकेट्स का फॉर्मेट, मतलब कैसे वो डेटा पैकेट क्रिएट होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये रूल्स डिसाइड करते हैं, ओके, इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड है, हाउ डेटा इज एनकैप्सुलेटेड, मतलब डेटा को कैसे एनकैप्सुलेट किया जाएगा पैकेट के अंदर, कैसे उसको डाला जाएगा, कैसे उसको कवर किया जाएगा, ओके, कैसे एड्रेसिंग की जाएगी पैकेट्स की, कौन सा रूट यूज किया जाएगा, राउटेड मीन्स कौन से रूट से वो डेटा पास होगा, ओके, कैसे ट्रांसमिट होगा। फाइन, तो ये जितना भी प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है, वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से होता है, ओके। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिफाइन मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ये भी बताते हैं कि अगर कहीं पे कुछ एरर आ जाती है, कि नेटवर्क में कहीं पर एरर आ जाती है तो कैसे डिटेक्ट होगी, उस एरर को कैसे करेक्ट किया जाएगा, ओके, और ये कंप्लीट जो नेटवर्क का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, करते हैं प्रोटोकॉल्स, ओके। फर्स्ट वी हैव एसटीटीपी। HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol, okay? HTTP की full form क्या है? Hyper Text Transfer Protocol, वो protocol जो World Wide Web पर Hyper Text को transfer करने में help करता है, okay? Now what is Hyper Text? Hyper Text क्या है? Hyper Text is the text which contains links to the other text. Hyper Text वो text होता है जिसके अंदर hyper links होते हैं। जैसे आप websites देखते हो, websites में बहुत सारे documents होते हैं, बहुत सारे pages होते हैं, right? और वो pages एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स, ओके, टेक्स्ट हाइपरलिंक, पिक्चर हाइपरलिंक्स, ओके। तो यहां पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ओके, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करता है। फाइन, नाउ HTTP इज द सेट ऑफ रूल्स, यू नो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, तो HTTP क्या है, सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, इसका यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट को वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसफर करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट भी आता है, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एसेट्रा। फाइन, नाउ HTTP इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। HTTP किस पर बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। HTTP अलाउज द क्लाइंट कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो क्लाइंट कंप्यूटर किसका है, यूजर का कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो अपने वेब ब्राउजर से, तो यहाँ पे आपका वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट, आपका वेब ब्राउजर क्लाइंट है और आपका कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर, ओके।
तो HTTP क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू establish अ कनेक्शन टू द सर्वर. ये आपका कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर के साथ, सो डेट यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट, जिससे कि आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सको. द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट. सर्वर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड सेंड्स बैक रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को आपके कंप्यूटर पे भेज देता है. फाइन, यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो, सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया सर्वर को. ओके, और रिक्वेस्ट किसकी हेल्प से जाएगी, आपके HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जाएगी. फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को क्लाइंट कंप्यूटर के पास सेंड कर देगा, जो किसकी हेल्प से आएगा, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आएगा. फाइन, हेयर द ब्राउजर एड्स एज एन HTTP क्लाइंट. यहाँ पे आपका ब्राउजर HTTP क्लाइंट है. ओके, वेयर एज द वेब सर्वर एड्स एज एन HTTP सर्वर. और वेब सर्वर कैसे बिहेव कर रहा है, वो एज अ HTTP सर्वर एक्ट कर रहा है. फाइन, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी एंटर द URL. मान लो आपने अपने ब्राउजर में एक URL को टाइप किया है. ओके, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब. कहाँ पे वर्क करता है ये, वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्क करता है. .ncert.nic.in इन अ ब्राउजर. ओके, इट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. तो ये क्या करेगा, ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेयर दिस वेबसाइट इज प्रेजेंट. उस वेब सर्वर के पास जाएगा जहां पे ये वेबसाइट प्रेजेंट है. ओके, HTTP अलाउज द क्लाइंट कंप्यूटर टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द सर्वर. ये मैंने भी आपको बताया, HTTP की हेल्प से क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है और रिक्वेस्ट अपनी सेंड करता है. फाइन, द वेब सर्वर फेचेस एंड सेंड द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस. वेब सर्वर क्या करेगा, जो भी डेटा उसको फेच करना है उसको फेच करेगा और वो उसको सेंड बैक कर देगा. कहाँ पे, क्लाइंट कंप्यूटर के पास. एंड सेंड द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस एज HTTP रिस्पॉन्स टू द ब्राउजर. ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंड होगी वो भी HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से सेंड होगी और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आएगा. फाइन, विच इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर. ओके, रिस्पॉन्स आया और ब्राउजर के कंप्यूटर पे वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. हियर द ब्राउजर एड्स एज एन HTTP क्लाइंट. यहाँ पे ब्राउजर HTTP क्लाइंट है और आपका सर्वर क्या है, HTTP सर्वर है. ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP. FTP इज द सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स विच इनेबल्स फाइल्स टू बी ट्रांसफर्ड अमंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. ओके, सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ नेटवर्क. FTP की प्रोटोकॉल की हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल का ट्रांसफर होता है, राइट, इन अ नेटवर्क. यूजिंग द FTP फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू और डाउनलोडेड फ्रॉम एन FTP सर्वर टू अ लोकल कंप्यूटर. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से आप किसी भी नेटवर्क से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड किसी भी नेटवर्क में किसी भी सर्वर पर आप अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं. ओके, FTP ऑल्सो वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. FTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. मोस्ट वेब ब्राउजर्स कम विद द FTP क्लाइंट. जो ब्राउजर्स होते हैं, ओके, वो क्या है, दे आर इनबिल्ट FTP क्लाइंट्स. फाइन, ओके, दे वर्क्स एज FTP क्लाइंट. ब्राउजर्स आपका जो यूजर यूज कर रहा है ब्राउजर, वो FTP क्लाइंट वर्क करता है. क्यों, क्योंकि वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ओके, टू डाउनलोड समथिंग और टू अपलोड समथिंग, राइट, दैट इनेबल्स यूजर टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम देयर कंप्यूटर टू अ सर्वर. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एग्जाम्पल लिया है, आपका कंप्यूटर मान लो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे अपनी कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका FTP क्लाइंट क्या कर रहा है, फाइल को ट्रांसफर कर रहा है लोकल कंप्यूटर से कहाँ, FTP सर्वर के पास. ओके, एंड वाइस वर्सा, इन द सेम वे, अगर आप चाहते हो FTP सर्वर से कोई भी डेटा डाउनलोड करना, राइट, पिक्चर डाउनलोड करना या PDF डाउनलोड करना, तो क्या करेगा, आपका ब्राउजर एज अ क्लाइंट वर्क करेगा, FTP क्लाइंट वर्क करेगा और FTP सर्वर से डेटा को डाउनलोड करेगा. फाइन, तो यहाँ पे जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. ओके, नाउ FTP प्रोसेस कैसे काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल ट्रांसफर विद अनदर सिस्टम. जब कोई भी यूजर फाइल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे सिस्टम से, FTP सेट्स अप अ कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स फॉर एक्सेसिंग द फाइल. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उन दोनों डिवाइस के बीच में, उन दोनों नोड्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है. फाइन, अ यूजर
यहाँ पे यूजर कौन है, एफ टी पी क्लाइंट, मेन लॉग इन टू एन एफ टी पी सर्वर. तो यूजर जो एफ टी पी सर्वर है जहाँ से डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, राइट. आप डेटा को अपलोड कर रहे हो या डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, ओके. यहाँ पे क्या है, ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि वो आपसे जो एफ टी पी सर्वर है लॉग इन करने के लिए बोले, ओके. आपको आईडी यहाँ पे यूज करना पड़े, पासवर्ड यूज करना पड़े, ऑल दो अ लॉगिंग माइट नॉट बी रिक्वायर्ड, और समटाइम्स लॉगिंग करना जरूरी भी नहीं होता है, ओके. द एफ टी पी क्लाइंट इंटरेक्ट विद द सर्वर अपॉन अ रिक्वेस्ट. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने क्या किया, एफ टी पी क्लाइंट और एफ टी पी सर्वर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया. अब एफ टी पी क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा और डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओके. जो भी उसकी उसकी डिमांड है, अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है. द एफ टी पी क्लाइंट स्पेसिफाइज द फाइल नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड फाइल. अगर मान लो डाउनलोड करना है तो क्या करेगा वो, एफ टी पी क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा कि उसे कौन सी फाइल चाहिए, ओके. और उसका पूरा कंप्लीट यूआरएल देगा फाइल का, राइट. After that, another connection setups and the file transfer happens directly between the two machines. उसके बाद क्या होगा, एक connection के through FTP client ने क्या किया है, interact किया है FTP server के साथ और अपनी demand बताई है. Second connection में क्या होगा, FTP server according to the requirement, ओके. दूसरा कनेक्शन जो सेट होगा उसमें क्या होगा, फाइल का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एफ टी पी सर्वर टू एफ टी पी क्लाइंट. जो भी डेटा मांगा गया है वो एफ टी पी क्लाइंट के पास आ जाएगा. With FTP, a user can upload, download or move files on the server. FTP की हेल्प से यूजर FTP सर्वर पर अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकता है, वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है, फाइल्स को मूव भी कर सकता है. If you have ever downloaded a file from a web page, you have used FTP. अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने इंटरनेट से या वेब पेज से कोई भी वेबसाइट से कोई भी फाइल अपलोड की है, सॉरी डाउनलोड की है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो FTP का एग्जाम्पल है. आपके पास फाइल डाउनलोड होकर तभी आएगी जब वहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होगा, ओके. डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP प्रोटोकॉल. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू व्यू वेबसाइट्स. HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है वेबसाइट्स को अपने सिस्टम पर, अपने ब्राउजर पर व्यू करने के लिए, देखने के लिए, ओके. इसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो. FTP इज यूज टू एक्सेस एंड ट्रांसफर फाइल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से आप फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हो और अपने सिस्टम से फाइल सर्वर पर फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो. HTTP only uses binary format. HTTP में से binary format का यूज किया जाता है. FTP can send data both in ASCII and binary format. File transfer protocol ASCII form में भी, format में भी और binary format में भी data को send कर सकती है. Fine. HTTP is used to transfer the content of a web page from web server to a client's web browser. तो यहाँ पे क्या है, one way communication है. HTTP hypertext transfer protocol का क्या use है, इसकी help से आप web content देख सकते हो. Client computer पे, client browser पे web pages display होते हैं, okay. FTP is used to both upload and download files between FTP server and FTP client. File transfer protocol की help से FTP सर्वर और FTP क्लाइंट के बीच में फाइल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है. यूजर फाइल को अपलोड भी कर सकता है FTP सर्वर पर और FTP सर्वर से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है. HTTP ट्रांसफर ओनली द वेब पेज कंटेंट टू द वेब ब्राउजर इन ऑर्डर टू व्यू इट एंड द ट्रांसफर्ड फाइल इज नॉट कॉपी टू द मेमरी. HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी वेब कंटेंट अवेलेबल कराता है यूजर के ब्राउजर पर, ओके, वो सिर्फ क्या होता है, दैट इज दैट यू कैन ओनली सी, आप उसको देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, वो आपके मेमरी में जाके कॉपी नहीं होता, वो स्टोर नहीं होता. FTP transfer the entire file to the other device and also it is saved in the memory space of the destination device. FTP क्या करता है, जब आप फाइल को क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है, आपके मेमोरी में जाके सेव भी हो जाता है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव PPP. PPP stands for point to point protocol.
PPP is a communication protocol which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices. PPP protocol क्या करता है, दो devices के बीच में एक dedicated, okay, और you can say direct connection create करता है. Fine, जैसे आप picture में देख सकते हो यहाँ पे दो devices हैं और दोनों एक दूसरे से connected हैं with the help of the network. Fine, तो यहाँ पे इन devices के बीच में data exchange करने के लिए point to point protocol का use किया जाता है. Right, this protocol defines how two devices will authenticate each other. ये protocol बताता है कि दोनों device एक दूसरे को कैसे authenticate करेंगे, means कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को, and establish a direct link between them to exchange data. और दोनों devices के बीच में एक direct link को create करता है, okay, to exchange data, so that these devices can exchange data easily. Fine. For example, two routers with direct connection communicate using PPP. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है कि दो राउटर्स, ओके, दो डिवाइसेस है हमारे पास, दोनों के पास राउटर है, ओके, तो दो राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट, डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करता है. फाइन, सो डैट दीज टू डिवाइसेस कैन एक्सचेंज डेटा इजिली. A PPP connection exists when two systems physically connect through a telephone lines. Point to point connection तब exist होता है जब दो system एक दूसरे से physically connect होते हैं with the help of telephone lines. The internet users who connect their home computers to the server of an internet service provider through a modem also use PPP. जब आप internet connection लेते हो, okay, and आपका जो system है, आपका device है, modem की help से internet service provider से connect होता है, वहाँ पे जो ये connection create हो रहा है, उसमें कौन help करता है? उसमें point to point protocol help करता है, okay? In order to access the internet, okay, point to point protocol is used. The communicating devices should have duplex mode for using this protocol. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो communicating devices है, मान लो आपका computer है और internet service provider का server है, उन दोनों, वो दोनों क्या होने चाहिए, duplex mode में होने चाहिए. Duplex mode में means at the same time they can send the data as well as they can receive the data, okay? वो एक time पर data को send भी कर सकें और data को receive भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे एक physical connection create हो रहा है दोनों के बीच में. This protocol maintains data integrity, ensuring that the packets arrive in the order. ये protocol data integrity को maintain करता है और देखता है कि packets एक particular order में arrive करें, okay? It intimates the sender about damaged or lost packets and asks to resend it. अगर user के पास डेटा जा रहा है या फिर सर्वर के पास डेटा जा रहा है, जो भी डेटा सेंड कर रहा है, फाइन, दो डिवाइसेस का कनेक्ट है, जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रही है, ओके, और डेटा लॉस्ट होता है इन बिटवीन, तो ये सेंडर को बताता है, जिसने डेटा सेंड किया है उसको बताता है कि डेटा लॉस्ट हो गया है और उससे दोबारा डेटा सेंड करने के लिए कहता है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is a protocol used for email services. SMTP protocol का email services में use किया जाता है. It is used when a user send email to another email user. इसका use किया जाता है जब एक user दूसरे user को email send करता है. The SMTP protocol is used by the mail transfer agent to deliver the sent email to the recipient mail server. SMTP प्रोटोकॉल का मेल ट्रांसफर एजेंट यूज करता है टू डिलीवर द सेंट मेल, मेल को सेंड करने के लिए कहां पर, रेसिपिएंट के मेल सर्वर पर, ओके, ओके, यूजर ने मेल को सेंड किया, राइट, अब क्या करेगा मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके उस मेल को रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंचाएगा. फाइन, अब यहाँ पे देखो, अ मेल और मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर. एमटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसफर ईमेल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर, जिसका क्या काम है, ईमेल्स को सेंड करना, ओके, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. फाइन, तो यहाँ पे जो एमटी है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है टू सेंड द मेल फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, मेल सर्वर. फाइन, द एसएमटीपी प्रोटोकॉल कैन ओनली बी यूज टू सेंड ईमेल्स. SMTP प्रोटोकॉल का यूज सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं किया जाता, नॉट टू रिसीव देम, ओके.
नेक्स्ट वी हैव TCP/IP प्रोटोकॉल. TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट. TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इंटरनेट यूज करता है. ओके, द TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द मैसेज इन टू पैकेट्स ऑन द सोर्स कंप्यूटर. तो TCP/IP प्रोटोकॉल में जो TCP पार्ट है उसका क्या वर्क है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसका काम है सोर्स कंप्यूटर पे आपके मैसेज को, आपके डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करना. यू नो इट वेरी वेल कि जब डेटा नेटवर्क में ट्रांसफर होता है तो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करने के लिए. TCP इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन और द रेसिपिएंट कंप्यूटर. इन द सेम वे जब पैकेट्स रेसिपिएंट कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं वहां पे TCP/IP उनको रीअसेंबल करता है इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज. फाइन. Now, the IP protocol ensures that each computer or node connected to the internet is assigned an IP address. IP protocol का क्या काम होता है, जितने भी computer, जितने भी devices, okay, internet से connected है उन सबको एक IP address देना. Fine, उन सबको एक unique identity देना which is used to identify each node independently. जिससे क्या होगा, आप डेटा को एक पर्टिकुलर नोड, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो. फाइन, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं दे हैव आईपी एड्रेसेस. उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो टू एनी डिवाइस, राइट. ओके, सो डेट ईच पैकेट इज राउटेड और यू कैन से सेंड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन. देखो, अगर आपके आप हाउस एड्रेस होता है, हाउस एड्रेस है तभी आप कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर हाउस में क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या कहीं से भी मंगवा सकते. ओके, इन द सेम वे जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं दे ऑल हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस. ओके, जिसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, राइट. तो आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, आईपी प्रोटोकॉल का काम है टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, राइट. नेक्स्ट वी हैव POP3 प्रोटोकॉल. POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल ओवर द इंटरनेट. POP प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, राइट. POP3 इज अ वन वे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड ऑन द ईमेल सर्वर. आपने पहले पढ़ा था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, सेंडर से मेल को लेकर रिसीवर तक पहुँचाता है, राइट. ओके, तो यहाँ पे रिसीवर साइट पर उसको कौन रिसीव करेगा, उसे POP प्रोटोकॉल रिसीव करेगा. फाइन. ओके, द थ्री रेफर्स टू द थर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल POP प्रोटोकॉल. यहाँ पे जो थ्री यूज किया गया है वो POP प्रोटोकॉल के थर्ड वर्जन के लिए यूज किया गया है. यू कैन चेक योर मेल बॉक्स ऑन द सर्वर एंड कैन डाउनलोड एनी ईमेल यूजिंग POP3. POP क्या करता है, SMTP प्रोटोकॉल से ईमेल को रिसीव करता है. ओके, एंड रिसीवर के मेल सर्वर पर उसको सेव कर देता है. फाइन, अब मेल सर्वर पर आप अपने मेल बॉक्स को चेक कर सकते हो और वहां से कोई भी ईमेल डाउनलोड कर सकते हो. इट ऑल्सो अलाउज टू डाउनलोड द रिसीव मैसेजेस ऑन द लोकल मशीन यूजिंग टूल लाइक आउटलुक. और अगर आप ये चाहते हो कि जो आपके मैसेजेस हैं वो आपके सिस्टम पर, आपके लोकल मशीन पर सेव हो जाए, तो उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो लाइक आउटलुक. आउटलुक क्या करता है, आउटलुक आपके मैसेजेस को सेव करके रख लेता है सो डैट यूजर कैन रीड देम इवन वैन दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओके, जितने भी मैसेजेस यूजर ने क्या किया है, मेल सर्वर से डाउनलोड किए हैं आउटलुक के अंदर, वो उनको कभी भी रीड कर सकता है चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो चाहे ना हो. Now we have HTTPS. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS protocol ensures the security of the text or information being transferred over World Wide Web. HTTPS protocol ensure करता है कि जो भी information World Wide Web पर transfer हो रही है from one device to another वो securely transfer हो, right?
HTTPS is enhanced version of HTTP working with SSL. HTTPS क्या है? HTTP का enhanced version है, Hypertext Transfer Protocol का enhanced version है, जो SSL Secure Socket Layer Certificate के साथ काम करता है. The SSL helps create a secure and encrypted connection between the server and the browser. Secure Socket Layer सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करती है. ओके, आप देखो पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका ब्राउजर है और ये आपका सर्वर है. ओके, जब HTTPS के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, राइट, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो वो बहुत ही सिक्योर वे में और एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, राइट. इट विल क्रिएट अ सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर. फाइन, SSL encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Secure socket layer information को encrypt करता है and then उसको एक secure connection के through one device से दूसरे device पर transfer करता है, transmit करता है. okay? जब आपका data encrypted form में travel करता है तो उसको steal नहीं किया जा सकता, और अगर वो steal हो भी जाता है तो कोई भी उस data को समझ नहीं सकता, right? Because data किस form में होता है? Coded form में होता है, राइट. एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन इनटू सम कोड वर्ड्स टू हाइड इट्स एक्चुअल मीनिंग. एनक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें डेटा को, जो एक्चुअल डेटा होता है, उसको कुछ कोड वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे उसका एक्चुअल मीनिंग हाइड हो जाए. फाइन, HTTPS इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट. HTTPS का यूज इंटरनेट पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, राइट. सच एज लॉगिन डिटेल्स, आपकी लॉगिन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स एसेट्रा. ओके, तो जो सेंसिटिव डेटा एक्सचेंज किया जाता है वो HTTPS की हेल्प से एक्सचेंज किया जाता है. फाइन, Now we have difference between HTTP and HTTPS protocol. First we have HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a system for transferring information over internet without any security feature, right? तो HTTP क्या करता है? Data को transfer करता है, information को transfer करता है world wide web पर from one device to another, okay? But वो कोई भी security feature provide नहीं करता है आपके data को, right? Your data can be hacked anytime. Fine, it is a system of transferring HTTPS. It is a system of transferring information with secure socket layer that encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Hypertext transfer protocol secure information को transfer करता है with full security, okay, by using the secure socket layer. जो क्या करता है? Data को या information को first encrypt करता है और उसको एक secure medium के through transmit करता है from one device to another, जिससे कि वो steal नहीं हो सकती. ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टील दैट इंफॉर्मेशन. HTTP, it is useful for sending non-sensitive information. HTTP security feature नहीं provide करता, तो उसका use आप non-sensitive information के transmit में use कर सकते हैं, like simple web pages हो गया, simple information हो गया, जो अगर steal हो भी जाती है तो कोई उससे नुकसान ना हो. okay? Now HTTPS, it is used for transferring or exchanging sensitive information. Hypertext transfer protocol secure का use सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है. HTTP, it is generally used for blogs, entertainment information and journal articles. HTTP का use blogs के लिए किया जाता है, simple entertainment information के लिए किया जाता है, okay, journal articles के लिए use किया जाता है. okay, जब आप से कोई भी इस type की information या web pages access करते हो तो वहाँ पे HTTP का use किया जाता है. okay? Now HTTPS, it is used for exchanging information such as login details, bank details, payment details. लेकिन HTTPS का यूज़ आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है. अगर आपकी लॉगिन डिटेल्स के लिए, ओके, आपके बैंक डिटेल्स के लिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए, इस टाइप के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है.
Now, HTTP, it does not require any additional technology for data exchange transfer. HTTP के अंदर किसी भी additional technology का use नहीं किया जाता, but HTTP के अंदर it requires additional SSL certificate for secure exchange of data or information through secure connection. But HTTPS SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करता है जिससे कि डेटा का सिक्योर विथ फुल सिक्योरिटी ट्रांसमिशन हो सके. फाइन. Now we have telnet. Telnet stands for teletype network. Telnet को teletype network भी कहा जाता है. Telnet is one of the earliest remote login protocols on the internet. Telnet एक remote login protocol है. Remote login protocol means वो protocol जिसकी help से आप किसी remote device या remote computer से connect हो सकते हो, अपने device को किसी remote device से connect कर सकते हो. Fine. Telnet is a protocol that allows you to connect to the remote computers over the network such as internet. Telnet वो protocol है जिसकी help से आप अपने device को किसी remote device से connect कर सकते हो और remote device पे commands को execute कर सकते हो, remote device पे आप login कर सकते हो. Fine. Now, using Telnet client software on your computer, you can make a connection to the Telnet server. अब Telnet protocol को use करने के लिए आपको Telnet client software को अपने system पर install करना होता है. Fine. जिसकी help से आप Telnet server से connection create कर सकते हो. Telnet server क्या है? जिसके साथ आप connect कर रहे हो और जिस पे आप अपनी commands को execute करना चाहते हो. Okay? इसको remote host भी कहा जाता है. Fine. Now, once your telnet client establishes a connection to the remote host, your client becomes a virtual terminal. जैसे ही आप क्या करते हो, remote host के साथ एक connection create कर लेते हो, right? जो program आपने telnet client program अपने system पे install किया है, जैसे ही वो program remote host के साथ connection create कर लेता है, वैसे ही आपका system क्या बन जाता है, एक virtual terminal बन जाता है, allowing you to communicate with the remote host from your computer, right? एक virtual terminal बन जाता है जिसकी help से आप communicate कर सकते हो remote host के साथ, मतलब दूसरे कंप्यूटर के साथ जो रिमोट प्लेस पर है. फाइन. आप उसके ऊपर अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? उस रिमोट होस्ट पर आप लॉगिन कर सकते हो. फाइन. इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू लॉग ऑन टू द रिमोट होस्ट. सम केसेस में क्या होता है, आपको रिमोट डिवाइस पे लॉगिन करना होता है, विच रिक्वायर्स डैट यू हैव एन अकाउंट ऑन दैट सिस्टम. और इसके लिए क्या चाहिए, आपका भी अकाउंट होना चाहिए रिमोट होस्ट पर, ठीक है? ओकेजनली यू कैन लॉग इन एज अ गेस्ट और पब्लिक विदाउट हैविंग एन अकाउंट. और समटाइम्स क्या होता है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, ओके, एज अ गेस्ट, और इसके लिए आपको अकाउंट का, आपके अकाउंट का होना जरूरी नहीं है. फाइन. तो टेलनेट वो प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप रिमोट लॉग इन कर सकते हो, रिमोट प्लेस पे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते. Now we have Voice Over Internet Protocol. VOIP stands for Voice Over Internet Protocol. It is a protocol that enables voice communication over the internet. Okay, तो ये वो protocol है, VOIP वो protocol है जिसकी help से आप internet पर भी voice call कर सकते हो. इससे पहले क्या होता था, आप सिर्फ telephone पर ही voice call कर सकते थे. Now it's very easy to use voice calls on internet. ओके. और ये कैसे करता है, थ्रू द कंप्रेशन ऑफ द वॉइस इनटू द डेटा पैकेट्स. आपकी वॉइस जो आप वॉइस कॉल में यूज करते हो, राइट, वो डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. डेट कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा नेटवर्क, जो डेटा नेटवर्क से आराम से ट्रांसमिट करती है एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू द वॉइस एट द रिसीविंग एंड. और जब वो जहाँ पे रिसीव होती है वहाँ पे अगेन वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है. Now we have Voice Over Internet Protocol. VOIP stands for Voice Over Internet Protocol. Okay, it is a protocol that enables voice communication over the internet. VOIP protocol की help से आप internet पर voice calls कर सकते हो. इससे पहले हम आप सिर्फ telephone से ही voice call कर सकते थे, पर VOIP के आने पर आप internet पर भी voice call को कर सकते हो, video calls को कर सकते हो, right? और ये किस technique से करती है, through the compression of the voice into the data packets. आप जो वॉइस कॉल करते हो, राइट, उसमें वॉइस कंप्रेस होकर डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. डेट कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क. और डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको इजिली डेटा नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, राइट, एंड देन कन्वर्ट बैक
इनटू वॉइस एट द रिसीविंग एंड, और रिसीविंग एंड में अगेन वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है. फाइन. इट यूजेस पैकेट स्विचिंग, और ये पैकेट स्विचिंग की हेल्प से डेटा को स्टोर एंड फॉरवर्ड करती है. राइट. ओके. इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क. तो ये किसका अल्टरनेट है, जो पहले ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क था, ये उसका एक अल्टरनेट है जो अब बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है. सम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ VoIP एप्स आर, और बहुत सारी एप्स हैं जो आपको VoIP की फैसिलिटी देती हैं, लाइक स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर, गूगल वॉइस, एंड देर आर सो मैनी. राइट. विद द हेल्प ऑफ दीज ऐप यू कैन यूटिलाइज इंटरनेट फॉर द वॉइस कॉल. We can measure capacity of communication media. In data communication, the transmission medium is also known as channel. Data communication में transmission medium को channel भी कहा जाता है. Channel आपका wireless channel हो सकता है, like waves, radio waves, microwaves, और wired channel भी हो सकता है, like cables, wires. Okay? The capacity of a channel is the maximum amount of सिग्नल्स और ट्रैफिक डेट अ चैनल कैन कैरी. तो चैनल की कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है, कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और डेटा वो चैनल कैरी करता है, वो चैनल ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. चैनल की कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए वी हैव टू टर्म्स, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. ओके. सो फर्स्ट वी हैव द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंड इन द कंपोजिट सिग्नल्स. वी नो इट वेरी वेल कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है. फाइन. तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे डिसाइड होती है? बैंडविड्थ हम निकालते हैं फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी को का डिफरेंस. ओके. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो क्या डिसाइड करती है, वो चैनल की बैंडविड्थ को डिसाइड करती है. अब यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है. फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ वेव साइकल्स पर सेकेंड. फ्रिक्वेंसी आप कैसे मेजर करोगे कि एक वेव ने, ठीक है, एक वेव ने 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स को कवर किया. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है उसने 1 सेकेंड में 1 साइकिल को कवर किया, सेकेंड वेव ने 1 सेकेंड में 2 साइकिल्स को कवर किया. तो जो फर्स्ट वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज, और जो सेकेंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज. फाइन. ओके. तो फ्रिक्वेंसी हम आपको पता चल गई, फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकल्स कवर्ड बाय अ वेव पर सेकेंड. फाइन. और इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज. राइट. ये फ्रिक्वेंसी कैसे मेजर होती है, इन हर्ट्ज. राइट. ओके. अब बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंड इन द कंपोजिट सिग्नल्स. जो सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं चैनल के थ्रू, राइट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बाद जो रिजल्ट आता है उसे डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर चैनल की बैंडविड्थ क्या है. फाइन. Bandwidth of a channel is the range of frequencies available for transmission of data through that channel. तो bandwidth, जो channel की bandwidth होती है वो कैसे decide होती है, range of frequencies से decide होती है. Okay? Now, higher the bandwidth, higher the data transfer rate. जितनी bandwidth ज़्यादा होगी, right? Difference जितना ज़्यादा होगा, lower frequency and higher frequency signals की जो lower frequency है और higher frequency के बीच में जितना ज़्यादा difference होगा उतना ही ज़्यादा data transfer rate होगा. Fine. Okay. आप या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, जितनी ज़्यादा bandwidth होगी उतना ही ज़्यादा data transfer होगा चैनल के थ्रू. ओके. द फिगर बिलो शोज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल एफ विद लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसीज एफ एल एंड एफ यू रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे एक सिग्नल एफ है, ये आपका एफ सिग्नल है जो ट्रेवल कर रहा है, उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी क्या है, एफ एल, एंड अपर फ्रिक्वेंसी है एफ यू. तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, एफ यू माइनस एफ एल. फाइन. या ओके. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज अ सिग्नल विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड हैज़ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. एक सिग्नल है, ओके, वो ट्रांसमिट हो रहा है चैनल के थ्रू और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से वो ट्रांसमिट हो रहा है. लाइक उसकी कभी फ्रिक्वेंसी क्या है, 6000 मेगा हर्ज है, देन 4200 मेगा हर्ज, 1500 मेगा हर्ज एंड 820 मेगा हर्ज. सो हियर द सिग्नल बैंडविड्थ विल बी स्पेसिफाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पे ये क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसीज है. फाइन. फिर से देखो, सपोज अ सिग्नल विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड हैज डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर,
फाइन, तो हम बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, बैंडविड्थ निकलेगा. ओके तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे निकलेगा, 6000 मेगाहर्ट्ज माइनस 820 मेगाहर्ट्ज, तो आपकी जो बैंडविड्थ आ गई है वो क्या आ गई है, 5180 मेगाहर्ट्ज. राइट, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल. ओके नाउ बैंडविड्थ, अब आप बैंडविड्थ को किस यूनिट में मेजर करते हैं, बैंडविड्थ इज मेजर इन हर्ट्ज. राइट, 1 kHz रिप्रेजेंट 1000 साइकिल पर सेकेंड. 1 kHz का मीनिंग क्या है कि एक सेकेंड में 1000 साइकिल एक सिग्नल कवर करता है. ओके, 1 MHz रिप्रेजेंट 1000 kHz, 1 GHz रिप्रेजेंट 1000 MHz, एंड 1 THz रिप्रेजेंट 1000 GHz. राइट, ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव डेटा ट्रांसफर रेट. डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड. तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या है कि कितने बिट्स ट्रांसमिट होते हैं 1 सेकेंड में फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट. डेटा ट्रांसफर रेट को बिट रेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डेटा को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड. राइट, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड. राइट, द हाइयर यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट्स आर, और इसको आप कैसे, इसकी यूनिट्स क्या हैं, 1 kilobits पर सेकेंड इक्वल्स टू 1024 बिट्स पर सेकेंड, 1 megabits पर सेकेंड इक्वल्स टू 1024 kilobits पर सेकेंड, 1 gigabits पर सेकेंड इक्वल्स टू 1024 megabits पर सेकेंड, 1 terabits पर सेकेंड इक्वल्स टू 1024 gigabits पर सेकेंड. ओके ना, अब यहाँ पे देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. डेटा ट्रांसफर रेट अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे करोगे, अ यूज़र वांट्स टू अपलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 10 pages पर 20 सेकेंड. एक यूज़र क्या चाहता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहता है. ओके, किस रेट पे 10 pages अपलोड हो जाए, कितने सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में. ओके, वट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट फॉर द चैनल. तो यहाँ पे डेटा रेट क्या होगा, मीडियम का, चैनल का क्या डेटा रेट होगा, एज्यूम डेट 1 page कंटेन्स 1600 करेक्टर्स. ओके, 10 pages हैं. ओके, और एक पेज कितने करेक्टर्स कंटेन करता है, 1600 करेक्टर्स करता है. ओके, एंड ईच करेक्टर इज ऑफ 8 bit, और एक करेक्टर कितने बिट्स का, 8 bits का. राइट, तो हम आपका डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकलेगा, 10, बिकॉज 10 pages अपलोड करना चाहता है, इंटू 1600. ओके, 1 page में कितने करेक्टर्स है, 1600, तो 10 pages में 10 × 1600, और एक करेक्टर के अंदर कितने बिट्स हैं, 8. राइट, 10 × 1600 × 8 डिवाइडेड बाय 20. ओके, पर सेकेंड होता है ना, तो यहाँ पे 20 seconds में वो 10 pages को अपलोड करना चाहता है. ओके, तो यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर रेट निकल के आ गया है 6400 बिट्स पर सेकेंड और 6.25 kilobits पर सेकेंड. राइट, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.